तो हेलो गाइस, बात करेंगे आज एक मूवी के बारे में जो कि रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसका नाम है लस्ट स्टोरी 2। और ये मूवी बहुत ही लोगों के बीच में हाइप क्रिएट कर चुकी है और बहुत लोग इस मूवी के बारे में बात भी कर रहे थे। और इसका जो पहला पार्ट था वो काफी शानदार था, बहुत ही ब्लॉकबस्टर था, जिसमें आपको कियारा आडवाणी और विक्की कौशल देखने को मिले थे और इनकी कहानी अलग थी। लेकिन लस्ट स्टोरी 2 में आपको चार अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग कहानी है, इंडिविजुअल कहानी दिखाई जाएगी। और ये मूवी काफी शानदार लगी है मुझे देखने के बाद से। इनमें भी चारों कहानी में सबसे बेस्ट जो कहानी लगी है वो तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा की लगी है। इनकी जो लव केमिस्ट्री है वो काफी शानदार थी और वाकई में बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको फिल्माया भी गया है। तो मुझे विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया की जो रोल है, उनकी जो कहानी है, वो काफी टचिंग लगी है। इसके अलावा अगर मृणाल ठाकुर और अंगद बेदी की बात करूं तो इसमें इनकी एक्टिंग भी काफी शानदार लगी, इनकी कहानी में बहुत दम था। इसके अलावा इनके बाद भी दोनों कहानियां काफी लाजवाब है। अगर ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये मूवी बहुत ही बेहतरीन लगी। अलग अलग कहानी होते हुए भी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी, साथ में सारी कहानियां चल रही हैं लेकिन आप बोर नहीं होंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी आपको और कुछ अलग हट के करने की कोशिश की गई। और फाइनली अगर मूवी को रेट करूँ तो 4/5 करूंगा।